तो सैमसंग गैलेक्सी M51 बहुत ही जल्दी लॉन्च होने वाला है। जी हाँ, एग्जैक्ट डेट तो पता नहीं, लेकिन ये बहुत ही जल्दी लॉन्च होने वाला है। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली, ये वाला स्मार्टफोन का सभी डिटेल्स इन्फॉर्मेशन निकल के आ गया, क्योंकि ये इंटरनेशनल मार्केट में लॉन्च हो चुका है। इसका प्राइस है $360, अगर इंडियन करेंसी के हिसाब से देखा जाए लगभग 26,500 रुपये के आसपास होता है। जी हाँ, अगर उसको इंडियन करेंसी में कन्वर्ट किया जाता है तो। स्पेसिफिकेशन में यहाँ पर सब कुछ आ गया, इवन इंटरनेशनल मार्केट में, अगर जर्मन मार्केट देखा जाए वहाँ पर फ्री ऑर्डर में भी चला गया। तो सेमी फोन्स लॉन्च होने वाला है। यहाँ पर 6.7 इंच का एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलेगा, विच इज नो डाउट ए ग्रेट थिंग टू हैव। और सैमसंग का सुपर एमोलेड डिस्प्ले बहुत 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 ही बढ़िया होता है। और यहाँ पर अगर देखा जाए बाकी डिजाइन कुछ इस प्रकार का है, और ये साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर है जैसे आप देख पा रहे हो, जो जिसके बारे में मैंने भी पहले वीडियो में बताया था। तो फाइनली ये कन्फर्म हो गया, 7000mAh का भी बैटरी मिलने वाला है विद 25W का सुपर फास्ट चार्जिंग, जो बॉक्स के अंदर ही आपको मिल जाएगा। सो सबसे बड़ा बैटरी आई थिंक सैमसंग दे रहा है, 7000mAh मतलब काफी बड़ा है। सो यहाँ पर टोटल क्वाड कैमरा सेंसर देखने को मिलेगा, 64MP का प्राइमरी सेंसर है, उसके साथ साथ 12MP का एक वाइड एंगल सेंसर है, उसके बाद एक मैक्रो और एक डेप्थ सेंसर दिया जाता है, जैसे जनरली M31S में हम लोग को दिखाई दिया था। यहाँ पर 123° का वाइड एंगल लेंस दिया जाएगा, जो काफ़ी एक अच्छी बात है, और 123° मतलब काफ़ी ज़्यादा एरिया कवर करेगा। तो फोटोग्राफी के मामले में आपको यहाँ पर बहुत कुछ देखने को मिलेगा, लाइव फोकस ऑन, ये सभी चीज़ यहाँ पर अवेलेबल है एज यू कैन सी। सो कैमरा के मामले में यहाँ पर बहुत कुछ दिया गया है। सेल्फी अगर देखा जाए 32MP का यहाँ पर सेल्फी कैमरा दिया जाएगा, विच इज़ गॉना बी नो डाउट ए ग्रेट थिंग टू हैव। अभी यहाँ पर ऑक्टाकोर प्रोसेसर है, एग्जैक्टली कौन सा प्रोसेसर है यहाँ पर कहीं पर भी लिखा नहीं है, एक्चुअली ये सैमसंग का ऑफिशियल वेबसाइट है लेकिन लिखा नहीं है। 6GB का रैम, 128GB का इंटरनल स्टोरेज है, जहाँ पर 512GB का मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं। और इसके साथ साथ नॉक सिक्योरिटी का सभी टाइप का फीचर जो होता है वो यहाँ पर अवेलेबल होगा, और जितने भी लेटेस्ट फीचर्स है आपको मिल जाएगा सैमसंग गैलेक्सी M51 में। अभी अगर डिटेल स्पेसिफिकेशन देखा जाए सैमसंग गैलेक्सी M51 का, ये रूम स्पेसिफिकेशन था लेकिन यही अभी लगभग सही हो गया है। 6.7 इंच का डिस्प्ले है, ये जो प्रोसेसर है विच इज स्नैपड्रैगन का 730G है, बहुत कोई 730 बोल रहा है, लेकिन अगर हम लोग ये वाला देखते हैं विच इज गूगल प्ले कंसोल लिस्टिंग देखते हैं, तो यहाँ पर क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 7150 है, विच इज स्नैपड्रैगन 730। अभी सैमसंग 730 मिलेगा या फिर 730G मिलेगा, उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। बाकी सभी स्पेसिफिकेशन जैसे आप देख पा रहे हो, जैसे मैंने आपको बताया। सो गाइज, ये है सैमसंग गैलेक्सी M51। आप जरूर से मेरे को बताना कि एग्जैक्टली ये वाला स्मार्टफोन अगर इंडिया में लॉन्च होता है कितना प्राइस में लॉन्च होना चाहिए, क्योंकि अगर इंटरनेशनल प्राइस देखा जाए वो तो लगभग 26,500 रुपये के आसपास, जो मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा प्राइस है। आप ज़रूर से कॉमेंट करके बताना इस फोन का प्राइस कितना होने से आप लेंगे। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक शेयर कर सकते हैं, उसके साथ साथ डेटाडॉक को सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसे ही लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल वीडियोज़ देखने के लिए। सो इस वीडियो में अभी तक इतना ही। दिस इज योर होस्ट, मी साइनिंग ऑफ फ्रॉम डेटाडॉक, होप टू सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।